ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हम सभी के घरों में रसोई को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम स्थान प्राप्त होता है। रसोई यानी कि घर के किचन को, जहां पर माता अन्नपूर्णा का निवास भी होता है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से ही हम सबका पेट भरता है। रसोई घर की देखभाल करने और उसमें प्रवेश करने के लिए भी वास्तु शास्त्र में कई अहम नियम बताए गए हैं, जिनका हम सभी को पालन करना चाहिए। माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला अपने घर में रसोई घर या किचन से संबंधित इन नियमों का उल्लंघन करती है या इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो उनके घरों में कभी भी सुख शांति नहीं रहती और धीरे धीरे उनके जीवन में गरीबी आने लगती है। तो आइए जानते हैं मित्रों कि आखिर रसोई घर यानी कि किचन के क्या कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन रसोई घर से संबंधित कुछ ऐसे नियमों के बारे में जानने वाले हैं। अगर उन नियमों का पालन कोई भी महिला या किसी घर में नहीं होता है ना, तो बहुत ही जल्द उन घरों में लड़ाई झगड़ा किचकिच बन जाती है और दोस्तों धीरे धीरे गरीबी आने लगती है और लास्ट में तो बिल्कुल कंगाली हो जाती है। तो कंप्लीट जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं वास्तु शास्त्र से जुड़ी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ, सभी के साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए मित्रों, रसोई घर से संबंधित सबसे पहला नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भूल कर भी किचन में नहीं करें भोजन। जी हाँ मित्रों, रसोई घर से जुड़ा वास्तु शास्त्र का सबसे पहला नियम यह है कि भूल कर भी रसोई घर में कभी भी भोजन नहीं करें। माना जाता है कि दोस्तों अक्सर बहुत सारे घरों में परिवार के सदस्यों के लिए रसोई घर में ही थाली के अंदर खाना लगाते हैं और वो वहीं पर ही खाने के लिए बैठ जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इससे घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है, यानी कि घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है और इससे धीरे धीरे परिवार में गरीबी आने लगती है और दोस्तों परिवार के सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अगर किसी के भी घर में रसोई घर में बैठकर अगर खाना खाती है ना, तो उन घर में देख लेना आप कि हमेशा दोस्तों पैसों को लेकर आर्थिक तंगी बनी ही रहती है। हमेशा उनके घर में किचकिच बनी रहती है, या पति और पत्नी के बीच सही से कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बहुत सारी दिक्कत होती है, सास बहू के बीच लगातार झगड़ा होता रहता है, तो एक महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है। चलिए मित्रों, बात करते हैं रसोई घर से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण नियम की तरफ। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गो माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गो माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गो माता सड़क पर इधर उधर लावारिस घूमती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गो माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, जब खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी मिलता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही दिन बाद यही गो माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। अक्सर जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गो माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे, और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों, अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी आप गो माता के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गो माता को एक दिन, दो दिन या पांच दिन का भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा दिला सकता है और बदले में जो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, आपके घर में इतनी ज्यादा धन दौलत आएगी मित्रों, गो माता की सेवा करने से या गो माता को चारा खिलाने से, उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। चलिए मित्रों, जानते हैं रसोई घर से जुड़ा दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नियम कि भूल कर भी जूते चप्पल पहनकर रसोई में नहीं जाएं। जी हाँ मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर घर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक होता है। रसोई घर को घर के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ पर माता अन्नपूर्णा का वास होता है। दूसरी अहम वजह यह है कि रसोई घर में जूते और चप्पल पहनकर जाने से आपके भोजन और पानी में वायरस का संक्रमण भी हो सकता है, इसलिए रसोई घर में कभी भी जूते चप्पल पहनकर जाने की गलती नहीं करें। आपकी गलती परिवार को आर्थिक संकट में या गरीबी में डालने का सबब बन सकती है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। चलिए तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रों, सभी महिलाएं इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और गांठ बांध कर रख दीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे अहम और बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है।
मित्रों, कोई भी आदमी मकान बनाता है, लेकिन घर की औरतें या गृह लक्ष्मी उस मकान को घर बना देती है। और जब पति और पत्नी के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन होते हैं, प्रेम संबंध होते हैं ना, तो वही घर एक स्वर्ग बन जाता है, मंदिर बन जाता है। चलिए, अगला जो महत्वपूर्ण नियम है रसोई घर से जुड़ा, कि कभी भी जूठे बर्तन को नहीं छोड़े। जी हाँ मित्रों, खाना खाने के बाद कभी भी रसोई में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए और नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा का अपमान करना होता है। इसलिए जब भी आप सब भोजन कर लें तो रसोई में रखे जूठे बर्तनों को जल्द से जल्द साफ करें और उनको धोकर रख दें। खासकर मित्रों की रात के समय तो भोजन करने के बाद बर्तन को कभी भी जूठे नहीं रखें, क्योंकि मित्रों माता लक्ष्मी रात के समय घर में जरूर आती है और घर के किचन में एक बार जरूर देखती है। अगर आपके घर में जूठे बर्तन पड़े होते हैं ना, तो उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। अच्छा, एक और चीज कहना है कि दोस्तों, रात में भोजन करने के बाद बर्तन को जरूर साफ करें और रसोई को भी साफ करें। रसोई में कभी भी गंदगी वगैरह नहीं रखें, और स्पेशली जिस गैस की पट्टी के ऊपर आप खाना वगैरह बनाते हैं ना, उसके ऊपर कभी भी आटा वगैरह या गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी, अगर आप रसोई घर को साफ सुथरा रखेगी तो, और धन प्राप्ति के नए नए माध्यम खुलते जाएंगे। चलिए जानते हैं अगला महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, यह नियम तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है, और यह गलती आमतौर पर हर एक घर की महिलाएं करती है। उसके बारे में अपन जान लेते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत ही कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं मित्रों, जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कि पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आपके स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका व्यापार लगातार नुकसान में जा रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आपके रिश्ते का योग नहीं बन रहा है, आप रिश्ता देखने के लिए तो जाते हैं लेकिन किसी भी रिश्ते वाले का कोई भी जवाब नहीं मिलता, आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए मित्रों, जानते हैं रसोई घर से जुड़े अगले कुछ महत्वपूर्ण नियमों की तरफ। तो भूल कर भी नहीं रखें टूटे बर्तन। जी हाँ मित्रों, घर के किचन में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक टूटे हुए बर्तन घर में कंगाली लाते हैं, गरीबी लाते हैं। यदि आपके किचन में ऐसे बर्तन हैं तो उनको तुरंत हटा दीजिएगा। उसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में यह भी मान्यता है कि अगर आप अपने घर के किचन में टूटे हुए बर्तन रखते हैं ना, तो ऐसे बर्तन घर में आपके झगड़े और क्लेश को बढ़ाते हैं। चलिए अगला नियम दोस्तों ध्यान से साथ समझ लीजिएगा। यह गलती हर एक महिला करती है, हर एक लड़की, माता, बहनें, भाभियां सब करती है, कि घर के किचन में कभी भी नहीं रखे गूंथा हुआ आटा। जी हाँ मित्रों, वास्तु शास्त्र के मुताबिक आप अपने घर के फ्रिज में कभी भी रात के अंदर गूंथा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी औरतें क्या करती है मित्रों, कि शाम के समय आटा लगाती है और रोटी बनाते बनाते उनको पता चलता है कि यार आटा तो ज्यादा हो गया, अगर सभी आटे की रोटी बना देगी तो सुबह ठंडी रह जाएगी, और वो क्या करती है कि दोस्तों गूंथे हुए आटे को घर के ही फ्रिज में रख देती है। लेकिन आपको भूल कर भी ऐसा नहीं रखना चाहिए दोस्तों, ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। दोस्तों, जब किसी के घर में मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस घर में गूंथा हुआ आटा पिंड दान के रूप में रखा जाता है। अगर आप भी अपने घर में रात के समय ऐसी गलती करते हैं, तो आज के बाद इस गलती को छोड़ दीजिए। अगर कोई भी माताएं बहने ऐसी गलती करती और सुबह उस रात में फ्रिज में रखे हुए आटे से अगर रोटी बनाती है ना, तो आपके परिवार के सदस्यों को कैंसर जैसी भयंकर महामारियां भी लग सकती है, ध्यान रखिएगा। चलिए वास्तु शास्त्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों, कि घर के किचन के नल से कभी भी नहीं टपके पानी। जी हाँ मित्रों, बहुत सारे घरों में क्या होता है ना कि किचन का नल खराब हो जाता है और उससे पानी सिंक से टपकता रहता है, टप 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 करते। लेकिन अगर आपके घर के किचन में भी ऐसा नल लगा हुआ है जिससे पानी टपकता है ना, तो उसका नेगेटिव
असर आपके पूरे घर के ऊपर पड़ता है। अगर किचन का नल ठीक नहीं है और उससे पानी टपकता रहता है ना, तो दोस्तों ये आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन का ये जो खराब नल है ना, वो धीरे धीरे आपको कंगाली के कगार में भी पहुंचा सकता है। ऐसे में जल्द से जल्द इस नल को ठीक करवा दीजिए। और उसके अलावा अगला नियम है कि दोस्तों कभी भी रसोई घर के सामने या रसोई घर के नीचे, बिल्कुल ठीक नीचे बाथरूम नहीं बनाएं। अगर आपका रसोई घर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है या दोस्तों सीढ़ियों के ऊपर है ना, तो कभी भी उसके नीचे एक तो बाथरूम नहीं बनाना चाहिए किचन के नीचे, और एक किचन के सामने कभी भी बाथरूम नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में भी यह गलती हो रखी है ना, तो आप बाथरूम को बंद करवा दीजिए अगर तोड़फोड़ नहीं करनी है तो। बहुत ही जल्द आपके परिवार के सदस्यों में आपस में कोऑर्डिनेशन बनना शुरू हो जाएगा। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण नियम है कि भूलकर भी रसोई घर में नहीं दवाइयाँ। जी हाँ मित्रों, अक्सर महिलाएं क्या करती है ना, काम करते करते दोस्तों छोटी मोटी चोट तो उनको लगी जाती है, या बहुत बार हाथ जल जाते हैं, या कुछ ऐसा हो जाता है। और उसके लिए बहुत सारी औरतें गलती करती है कि अपने घर के किचन में ही बैंडेज या अन्य तरह की दवाइयाँ रसोई घर में रख देती है, ताकि समय पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं ना, तो आपके परिवार के सदस्यों में हमेशा सेहत से जुड़ी कोई भी न कोई परेशानी बनी ही रहेगी, स्वास्थ्य खराब रहेगा। उसके अलावा रसोई घर में कभी भी दर्पण या शीशा वगैरह भी नहीं रखें। कोई भी कांच वगैरह जो है ना, जिससे अपन का चेहरा दिखता है या अपना फेस नजर आता है ना, यह कभी भी आप रसोई घर के किचन में नहीं रखें। ओके मित्रों, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके घर में भी इस तरह की कोई भी गलती होती है ना, तो भूल कर भी ऐसी गलती मत कीजिए, नहीं तो आपके घर में हमेशा गरीबी बनी रहेगी, कंगाली बनी रहेगी। कभी भी आपके घर में खुशहाली नहीं आ सकती है, अमीरी नहीं आ सकती है, सुख शांति नहीं रह सकती है। भूल कर भी वास्तु शास्त्र के नियमों का उल्लंघन मत कीजिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माँ अन्नपूर्णा। मित्रों,